जय हिंद। WHO ने दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर शुरू होने का ऐलान कर दिया है। संगठन के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेसस ने देशों को चेतावनी दी है कि वे कोरोना की तीसरी लहर के शुरुआती फेज में आ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि सिर्फ वैक्सीन से महामारी को नहीं रोका जा सकता, इसके लिए सभी देशों को लगातार सावधानी रखनी होगी। इधर एक बार फिर कोरोना से होने वाले मौत और संक्रमण के मामले दुनिया भर में बढ़ रहे हैं। पहली लहर में वायरस सामान्य पर था और दूसरी लहर में वायरस और ज़्यादा घातक था, जो कि पहली लहर में हुए संक्रमण की वजह से इम्यूनिटी पर पड़े असर के कारण है। तीसरी लहर आ गई है जिसमें वायरस उच्च स्तर पर सर्कुलेशन होगा, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि तीसरी लहर कितनी खतरनाक होगी, इसलिए हमें नई लहरों के लिए तैयार रहना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।